इधर महाराज बड़ी रानी के पुत्र का नाम रखा ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम रखा उत्तम। धीरे धीरे दोनों बालक सयाने होने लगे। एक दिन महाराज उत्तम खेलता हुआ ध्रुव के यहाँ पर आया। खेलता रहा काफी समय तक। जब घर चला तो ध्रुव से कहा, भैया आज हम आपके यहाँ खेलने के लिए आए और कल आप हमारे यहाँ खेलने के लिए आना। ध्रुव कहने लगा, भैया हम तुम्हारे यहाँ खेलने आए, कहीं तुम्हारी मैया मुझे डांटे ना। उत्तम ने कहा, वहां नहीं खेलेंगे, वहां चलेंगे जहाँ पर पिताजी कचहरी में बैठते हैं। बोले ठीक है। आज मेरे भगवत श्रोता उत्तम चला गया। इधर जैसे ही सुबेरा हुआ ध्रुव ने देखा कि भैया उत्तम हमसे कह गया था कि हमारे यहाँ खेलने के लिए आना, तो आज ध्रुव उत्तम के पास में पहुंचा। तो ध्रुव और उत्तम दोनों बालक जहाँ राजा उत्तान पात कचहरी में बैठते थे वहीं पर पहुंचे हैं। आज जब वहीं पर पहुंचे ही तो उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ इधर राजा उत्तान पात को 5 वर्ष के ध्रुव हो गए। राजा उत्तान पात को पूरी 5 वर्ष हो गई, ध्रुव को नहीं देखा। आज ध्रुव जब राजा उत्तान पात की कचहरी में पहुंच गया तो उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ आज महाराज उत्तान पात ने ध्रुव को देखे और गोदी में उठाए के ध्रुव के चुम्बन कियो है और अपनी गोदी में बिठा लो। जब गोदी में बिठाई लियो इधर एक दासी जो थी वो देख रही थी। वो दासी ने देखा कि अरे राजा उत्तान पात सुनीति का बालक गोदी में बैठा और सुरुचि का बालक नीचे खड़ा है। आज उसी समय महाराज वो दासी ने जाकर के और रानी सुरुचि से कह दिया, महारानी गजब हो गया। रानी तुम्हारी सौत को बालक राजा साहब की गोदी में बैठो और तुम्हारो बालक नीचे खड़ो। सही बात है, सही बात। अभी जा करके राजा साहब का बिस्तरा गोल कर रही, टेंशन न ले। आज उसी समय महाराज रानी सुरुचि ने जैसे ये बात को सुना, रानी सुरुचि तनफनाती हुई चली। देखा तो ध्रुव वास्तविक में राजा साहब की गोदी में बैठे, उत्तम नीचे खड़ा। आज उसी समय सुरुचि जाके खड़ी हो गई, राजा साहब से कहने लगी, महाराज क्या दिमाग खराब हो गया? और ध्रुव की कलाई को पकड़ के रानी सुनीति ने सुरुचि ने नीचे रख कर दिया, एक गाल में तमाचे को दिया, कहने लगी, है नालायक तुझे अगर इस गोदी में बैठना था तो तू मेरी कोख से जन्म लेता। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ महाराज इधर रानी सुरुचि कहने लगी, है महाराज राजा साहब अकल है तुम्हारी कहां भूप, ये सर पे गदा चढ़ाया है, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है। आज उसी समय महाराज जैसे ही उस बात को कहा, रानी ध्रुव कुछ नहीं बोले, राजा उत्तान पात भी नहीं कुछ कह सके। तो आज मेरे भगवत श्रोता महाराज ध्रुव ने देखा कि अगर ये मेरे पिता होते तो कुछ ना कुछ तो कहते। ध्रुव की आंख में आंसू हैं, ध्रुव रो से ऐसे लगे, लेकिन उत्तान पात कुछ नहीं बोले।